मैं वैसे भी जेब कतरों के बारे में बात नहीं करता हूँ। ऐसे लोगों के बारे में जो जेब कतरे हैं उनके बारे में बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है यार। आप लोग जिस बारे में बात करना चाह रहे हो या पंप करना चाह रहे हो उससे क्या मिलेगा। मैं यहाँ पे किसी भी बंदे या बंदी के खिलाफ आई रियली डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम। क्यों किसी के लिए अपना टाइम वेस्ट करो। अब किसी ऐसे बंदे के बारे में या लाइक आप बात करके अपना टाइम क्यों खराब करोगे। मैं वैसे भी जेब कतरों के बारे में बात नहीं करता हूँ। आप लोग अपने अपने टॉपिक वो सब लाइक उस टॉपिक पे आप लोग बात नहीं छेड़ो तो अच्छा है। जिनके पास अपना खुद का कुछ हो उसके बारे में बात करें यार। अपने ऐसे लोगों के बारे में जो जेब कतरे हैं उनके बारे में बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है। हे आफरीन, कीर्ति, यहाँ पे गुड हार्टेड पर्सन को लोग गालियां देते हैं और बेवकूफ समझते हैं। ये पता नहीं, ये भाई साहब, ये भी अभी तक जिंदा ही है। गाइस, इसलिए जो भी आप लोग टॉपिक पे सुनना चाह रहे हो वो टॉपिक आप लोगों को पूरा नहीं सुन पाओगे, बिकॉज़ यहाँ पे जो भी है लाइक टॉक अबाउट योर सेल्फ। यस ऑफ कोर्स। हाय, यहाँ पे कुछ लोग जो है ना फेक मीडिया वाले जो लोग हैं, तुमको पता भी है कि अगर ये फेक मीडिया मैंने अगर शुरुआत कराया तो क्या होगा तुम्हारा। यार यार ये सब चीज करके क्या फायदा मिलता है। अभी तक तो सुशांत सिंह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अब रितेश सिंह भी आप सुनोगे, जल्द ही सुनोगे, क्योंकि क्योंकि कुछ लोग जो है ना कुछ लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। हम लोग ग्राउंड लेवल के, हम लोग साधारण लोग हैं, दिखावे पे नहीं जिंदगी जीते हैं, अपने दम पे जिंदगी जीते हैं। और दम है आप लोगों को जल्दी ही पता चलेगा। यहाँ पे कुछ लोग क्या है कि जिंदगी में जो है बस केवल दिखावा करते हैं। यहाँ पे हर चीज उनका हर चीज दिखावा, किसी बंदे को हेल्प करना है दिखावा। मैं यही पूछता हूँ आपसे कि जब आपको किसी बंदे की हेल्प करनी है तो आपको फोटो क्यों लेना है, आपको वीडियो क्यों लेना है। सीधी सी बात है, आपने कभी आज तक मुझे देखा कि फोटो और वीडियो के साथ है? मैं लाइव ही कम आता हूँ, मैं अपने को दिखावा और ये से दूर रखता हूँ। जो है सो है लाइफ में। यार डाउन टू अर्थ रहना समटाइम मुझे लगता है कि डिफिकल्ट है, क्योंकि लोग समझते हैं कि डाउन टू अर्थ जो लोग ज्यादा दिखावा करते हैं उनको लगता है कि बस। हालांकि मुझे पता है इंडस्ट्री में मैं तो एटलीस्ट सबसे कनेक्टेड हूँ, मैं जानता हूँ लोग कैसे हैं।
बट रियली मैं बताऊं कि आप लोग पता नहीं कैसे फैन वगैरह ये सब बनते हो, लोगों को क्या अप्रिशिएट करते हो, बट मीन्स वैसे फैन बन के क्या फायदा यार। रिक्वेस्ट टू बी इन योर लाइव, सॉरी मैं किसी को लाइव नहीं ले रहा हूँ। चलो गाइस, बहुत सारी चीज़ें अपडेट हैं आपके लिए, स्लोली स्लोली विल टेक। अरे मैं क्यों टेंशन लूंगा यार। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है एंड बाय गॉड ग्रेस सही में बताऊं कि मैं जो पहले था आज मैं उससे बेटर हूँ, एंड थैंक्स टू गॉड। और मुझे लगता है कि ऐसे ही गॉड का ग्रेस रहे मेरे ऊपर। आई एम वेरी हैप्पी। सो जितने भी मेरे फैंस और फ्रेंड्स जो कि थोड़ा सा वरिड थे, डेफिनेटली आप लोग खुश रहे क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छा हूँ एंड ऊपर वाला है ना। बस टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।